देखिए, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मुख्य मुद्दा था जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की आह्वान पे वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट की जो डील हुई है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, उसके विरोध में कैट ने ये आह्वान किया पूरे देश भर की जितनी भी हमारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको इसके इल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया जब दिल्ली में मीटिंग थी, और उसी को आज हमने सभी जितने भी हमारे मुख्य व्यापारिक संगठन थे हमारे जम्मू के उसमें सारे इकट्ठे हुए थे, सबको ये बताया गया कि किस तरह से इसका इफ़ेक्ट अगर ई कॉमर्स में जो वॉलमार्ट ने जैसे फ्लिपकार्ट को 77% हिस्सेदारी खरीदी है अगर ये उसी तरह से लो हो गई, क्योंकि केंद्र सरकार की इसके ऊपर कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है और ये वायलेशन है केंद्र सरकार की खुद की नीति का जो प्रेस नोट 3 में कहा गया था, पहली ही क्लास है उसमें कि ई कॉमर्स में FDI को अलो नहीं किया जाएगा, ये उसका उल्लंघन है। और कैट ने पहले इसकी अपील CCI में फाइल की थी जिसमें उनको सुना ही नहीं गया, अब लीगल भी इसका एस्पेक्ट देखते हुए NCLAT जो नेशनल कंपनी ऑफ लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है कैट की तरफ से उसमें भी अपील फाइल की गई है, लीगल डिस्कोर्स में उसको पूछा गया है। पहली बार हुआ है कि वॉलमार्ट को ये पूछा गया कि आप अपना मॉडल बताइए, बिजनेस मॉडल बताइए, आप किस तरह से बिजनेस करेंगे। लेकिन एक नीति बनी थी सारे जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है कि केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए एक दिन का बंद किया जाए, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आज सभी व्यापारी संगठनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, हमारे कई मुख्य जो हमारे संगठन थे उनका ये भी राय आई कि चूंकि हम पिलग्रिमेज स्टेट हैं और जब ट्रांसपोर्ट बंद होती है तो उसकी वजह से जो हमारे बाहर से आते हैं यात्रु वो परेशान होते हैं, तो हम आपके माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट को इसमें शामिल नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्ट हमारे साथ शामिल नहीं, हम उनको अपील नहीं करेंगे ताकि बाहर से हमारे आने वाले साथी खराब ना हों। और उस दिन हम चूंकि ये व्यापारियों का अपना बंद है, हम जानते हैं आपने देखा होगा कई बार बंद होता है शाम को दुकानें खुलती हैं, हम सुबह से लेके केवल 2 बजे तक बंद करेंगे, आह्वान करेंगे कि हमारे सारे व्यापारी भाई शांतिपूर्वक बंद करें, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं हमारे लोगों को होनी चाहिए, और उस दिन सारे अपने अपने एरियाज में शांतिपूर्वक बंद रखें। और एक ज्ञापन बनाया गया है नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड्स, उस दिन हम सारे साथी मिलके वो हमारे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में जाएंगे, वो हम 12:30-1 बजे का जितने बजे का भी प्रोग्राम होगा वो हम आपको बता देंगे। 28 सितंबर को ये हम बताना चाहते हैं कि जम्मू का व्यापार पूर्ण रूप से बंद रहेगा 2 बजे तक। धन्यवाद।